सो मैंने आज आपके लिए एक बहुत ही इजी वीडियो बनाया है कन्वर्सेशन का, पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद मैं कुछ ऐसे वर्ड्स का वेलकम बैक प्रोनाउंसिएशन। टू माय चैनल वंस अगेन एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? मेरा ये हमेशा से कोशिश रहा है, हमेशा से, कि आपका प्रोनाउंसिएशन, स्टूडेंट्स स्पेशली चिल्ड्रन का प्रोनाउंसिएशन कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। बिकॉज़ जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं या फिर आज का जो एनवायरनमेंट है, राइट, एनवायरनमेंट ऐसा है, इंग्लिश एनवायरनमेंट है, उसको सीखने के लिए डेफिनेटली आपको कुछ करना पड़ेगा। सो मैंने आज आपके लिए एक बहुत ही ईजी वीडियो बनाया है कन्वर्सेशन का, पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद मैं कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन मैं आपको दिखाऊंगा, जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली में हम लोग किस तरीके से करते हैं। सो वॉच आउट द वीडियो फर्स्ट एंड देन आई विल हेल्प यू प्रोनाउंसिएट दिस वर्ड्स, फाइन? वॉच इट। हाय करीम, हाउ इज द वर्क गोइंग ऑन? वेल, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। आर द वर्कर्स कमिंग ऑन टाइम? Yes, sir, they are very hard working and are always on time. Sounds good. Sir, could you please come here by evening? Let me check. I will inform you after 1 hour. Is there any problem? Just want to discuss about the new project. Yes, definitely I will come. Well, tell me, how is Rajesh doing? He may take some time to heal. I am really glad to have a manager like you. Thank you, sir. We all feel good to work with you. Well, I have a good news for you all. What is it, sir? This time, all of you will get bonus. All of you have worked really good. Your hard work has brought our company to number one. We should never forget that workers are the pillars of any company. Thank you, sir. I wish every company would understand the same for their employees. You are a good man with a golden heart. जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मिस्टर जो मैनेजर है और जो ओनर है, उस दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ वो बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन था, बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन था, और वैसा ही होना चाहिए हर एम्प्लॉय और एक मालिक के साथ, वही कंपनी ग्रो करता है। फाइन, ये तो मेरा सजेशन था। अब आते हैं प्रोनाउंसिएशन पार्ट पे। प्रोनाउंसिएशन इस सारे वर्ड्स आपने वीडियो में डेफिनेटली देखा होगा, तो मैं आपको अपने साइड से पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो में जो इंग्लिश में जो लाइन्स लिखे हुए हैं ना, उसको आप यूज़ करो, राइट? उसको आप यूज़ करो किसी के साथ बोलने में, तभी आप सीख पाओगे। सर, इतना हेल्प मैं अपने तरफ से कर दे रहा हूँ कि आपको वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कन्वर्सेशन जो है सो लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ। फाइन, आपको अपने तरफ से इतना ही ट्राई करना है कि उसको आपको यूज़ करना है, और हाँ, ये जो वर्ड्स है किस तरीके से इसको बोलते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ पर आपको किस तरीके से उसको प्रोनाउंसिएट करना है। फाइन, सो वॉच इट आउट। अब ARE, तो यहाँ पे इस ARE को हम लोग आर बोलते हैं, फाइन, बट बेसिकली आप किस तरीके से इसको बोलोगे, इसको आ बोलोगे, फाइन, सिर्फ क्या बोलोगे, आ, राइट? सिर्फ ये आर को हम लोग यूजुअली आर बोलते हैं, लेकिन आप आर नहीं बोलोगे सर, आ बोलोगे, फाइन, आ। अब ये सर क्या है, सर देयर है, हम लोग देयर बोलते हैं, राइट, इसको, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे इसको, देयर, देयर,
फाइन, हम लोग क्या बोलेंगे? देयर, मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई राइट एनीथिंग रॉन्ग इन हिंदी, ओके फाइन. सो इसको क्या पढ़ेंगे? देयर. लगेगा कि आप देयर बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आर यहाँ पे साइलेंट रहता है, आर यहाँ पे साइलेंट रहेगा, तो आप बोल क्या रहे हो उसको? देयर. तो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है सर, आज का डिमांड है ये. फाइन, अब कोई भी कंपनी में जाओगे तो ऐसा इंग्लिश आपको ढूंढेगा, वो लोग ऐसा एक्सपेक्ट करेगा आपसे, तभी आपका एक पर्सनालिटी भी बनेगा उनके सामने. ओके, आप अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर पाओगे. फाइन, नेक्स्ट वर्ड का देखते हैं, हेयर. तो हम लोग हेयर बोलते हैं इसको, लेकिन क्या होगा, आर साइलेंट हो जाएगा, तो क्या होगा? हेयर. क्या हो जाएगा? हेयर, हेयर, सिर्फ हेयर. अब देख सकते हो मैं क्या लिख रहा हूं, हे य, हेयर. फाइन, उसके बाद है इनफॉर्म. तो इनफॉर्म बोलते हैं हम लोग इसको, लेकिन हम लोग इसको यूजुअली क्या बोलेंगे? अब इनफॉर्म, आर साइलेंट रहेगा, इनफॉर्म, इनफॉर्म. क्लियर है? आर साइलेंट रहेगा. अब देखो, इनफॉर्म और इनफ्रॉम में दो डिफरेंस है. फ्रॉम अगर बोलेंगे तो एफ के बाद र पहले आ रहा है, इजंट इट? एफ के बाद र जो है, आप देख सकते हो एफ के बाद आर इसके ठीक नेक्स्ट आ रहा है, राइट. लेकिन फॉर्म में एफ ओ आर एम, इसका स्पेलिंग आप देख सकते हो एफ एफ ओ आर एम है, तो एफ के बाद ओ आ रहा है, तो इसलिए इसको फॉर्म बोल रहे हैं. तो आप देख सकते हो कि इसको हम लोग एफ के बाद ओ लेटर जो जैसे ही आ जाता है तो फॉर्म बोलते हैं. तो ये टेक्निक जो है आपका स्पेलिंग सुधारने में बहुत मदद करेगा. प्रोनाउंसिएशन आपका अगर इम्प्रूव हो जाएगा तो क्या होता है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आपका ठीक हो जाएगा. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स, जैसे हम बोल रहे हैं फ्रॉम, तो एफ के बाद आर आ रहा है, इसलिए फ्रॉम, एफ के बाद आर, इसलिए फ्रॉम बोल रहे हैं इसको. लेकिन अगर फॉर्म बोलेंगे तो एफ ओ आर एम फॉर्म होता है. क्लियर? नाउ मैनेजर, मैनेजर को मैनेजर नहीं बोलेंगे सर, मैनेजर नहीं, जर नहीं बोलेंगे, जर्किंग नहीं है. फाइन, जर्किंग नहीं है, मैनेजर, सिर्फ मैनेजर, लास्ट में सिर्फ ज रहेगा, र शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है. तो आपको क्या लिखना है? मैनेजर. फाइन, इसको भी उसी तरीके से अब शायद आपको पता चल गया होगा, कंसेप्ट मिल गया होगा, स, सिर्फ बोलना है स, सर नहीं बोलना है. फाइन, क्लियर है सर? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सर नहीं बोलना है, स बोलना है. दिस इज काइंड ऑफ समथिंग विच इज रियली एडवांस्ड एंड विच द एनवायरमेंट इज गेटिंग इनटू इट, राइट. सो यू नीड टू डेफिनेटली लर्न दिस पार्ट एज वेल. हील, इस वर्ड का मतलब क्या है सर? हील का मतलब होता है कोई चीज़ का ठीक होना. इस कन्वर्सेशन में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कंपनी का जो ओनर होता है वो राजेश के बारे में पूछता है, राइट, क्या वो कैसा है वो. तो करीम आंसर करता है कि वो ठीक है, लेकिन उसको ठीक होने में समय लगेगा. ही विल टेक सम टाइम टू हील, ठीक होने में उसको समय लगेगा. फाइन, सो आई बिलीव ये जो टॉपिक जो था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था आपको समझने के लिए. और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूज़ ऑफ थैंक यू बोथ साइड से, बोथ साइड. फाइन, सो यूज ऑफ थैंक यू बोथ साइड से आप इसको अगर इस्तेमाल करते हो, देखो आप जिस तरीके से देख सकते हो कि ओनर भी उसको थैंक यू बोलता है, थैंक्स नहीं बोलता है सर, वो इनफॉर्मल वे. और करीम भी थैंक यू बोलता है, आप कन्वर्सेशन में देख सकते हो. तो ये क्या होता है ना कि एक अच्छा एक गुडविल जेस्चर होता है अपने सामने वाले के सामने प्रेजेंट करने का, राइट, टू शो रेस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन With whom you are talking, अगर आप सामने सामने हो, face to face हो तो भी, या फिर फ़ोन पे हो तो भी. सो एक अच्छा तरीका होता है, आप किसी के साथ अगर इस तरीके से बात करते हो तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन उसको कह सकते हैं हम लोग. फाइन, और ये दोनों साइड से होना चाहिए सर. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइज. नाउ इस किस्म के टॉपिक और इस किस्म का जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको अगर और भी चाहिए सो डू राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग वीडियोस लाइक दिस एज यूजुअल. एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय.